हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आकांक्षा। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर आवाज़ क्लियर ना आए तो। उसके लिए कोल्ड की वजह से थोड़ा गला मेरा ख़राब है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या सामान चाहिए। तो यहाँ पर धनिया है, अदरक है, हरी मिर्च है, प्याज है, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और ये बॉयल्ड आलू हैं जिनको मैश कर दिया है मैंने अच्छे से। तो हम सबसे पहले पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है और आप देख लीजिए कितना आपको ज़रूरत के अनुसार चाहिए, उस हिसाब से ले लीजिए। मैंने यहाँ पर कोई नाप नहीं लिया है, बस ऐसे ही अंदाजे से माप लिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और ये है थोड़ी सी अजवाइन जिसको मैं थोड़ा सा हाथ पे क्रश करके डाल रही हूँ। और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर एक सॉफ्ट सा इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे पानी से। तो इस आटे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, थोड़ा सॉफ्ट ही बनाना है। और जब आटा सॉफ्ट रहता है तो पराठे बनाने में आसानी रहती है, फिलिंग बाहर नहीं आती है। जितना हम रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है हमें। तो इसको एक तरफ रख देते हैं। तो आटा लगा करके मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट पर उसको रख दिया है ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये मेरे पास 6 से 7 बॉयल्ड आलू हैं जिनको मैंने मैश कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हैं, धनिया पत्ती है, और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, और ये 4 हरी मिर्च हैं जो मैंने इसमें डाली है। और आप नमक और मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। तो मैंने नमक भी डाल दिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है इसमें मैंने। और इसमें एक चीज़ मैं और डाल रही हूँ, वो है ये सौंफ जो अचार में डाली जाती है। तो इसको थोड़ा क्रश करके डाल देना है, ये पराठे में बहुत अच्छा सा टेस्ट लेके आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं एक दूसरे से मैश करके, सारे मसाले एक दूसरे से मिल जाने चाहिए अच्छे से। और ये मिल गया है अच्छे से, तो इसको हम एक तरफ रख देंगे। और फ्रेंड्स, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा पराठा बनता है सौंफ डालने के बाद में, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो उधर मैंने गैस पे रख दिया है तवा गरम होने के लिए, जब तक गरम होता है तब तक हम पराठा बना लेते हैं। और आटा भी रेडी है, फिलिंग भी बिल्कुल ठीक है बनने के लिए। तो अब हम थोड़ा सा आटा ले लेते हैं, एक रोटी जितना, और इसको सूखा आटा लगा करके, और फिर इसकी एक छोटी सी कटोरी जैसी बना लेना है। देखिए, और मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आलू भर भर के बना रही हूँ पराठा, क्योंकि जब आलू ज़्यादा भरे होते हैं तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने करीब 3 चम्मच के आसपास आलू इसमें डाला है, और इसको चम्मच से दबाते हुए और नीचे से हथेलियों की मदद से अच्छे से भर लेना है। और फिर इसको सील कर देना है ऐसे। और जब आटा सॉफ्ट होता है तो फिलिंग भरने में काफ़ी आसानी होती है। और ये देखिए, थोड़ा आलू बाहर आ रहा है, तो इसको मैं चम्मच से अंदर कर देती हूँ और इसको अच्छे से बिल्कुल सील कर देंगे चारों तरफ से। और थोड़ा सा आटा लगा करके इसको हाथ की मदद से ऐसे दबा देना है,
ताकि आलू जो है चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। और इसे हाथों की मदद से ही बढ़ाना है, बड़ा करना है। अभी इस पे बेलन नहीं लगाना है, इसको हाथ से ही हम इसे बढ़ाएंगे। ये तरीका अपनाने से जो है आलू जो अंदर भरे होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, बिल्कुल भी फटते नहीं हैं पराठे। और ये देखिए बड़ा हो गया है। इसको अच्छे से दबा के बढ़ा लेते हैं। देखिए बिल्कुल गोल सा पराठा रेडी हो गया है मेरा। और लास्ट में इसको थोड़ा चिकना करने के लिए थोड़ा सा हम एक से दो बार बेलन इस पे चलाएंगे, ताकि बस जो उंगलियों के निशान हैं वो हट जाएं बस। और देखिए पराठा बिल्कुल रेडी है, कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो तवा भी हमारा गर्म हो गया है, अब हम पराठा सेक लेते हैं। और गली से थोड़े बच्चों की खेलने की आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। देखिए यहाँ पे पराठे पे चित्तियाँ आ गई हैं अच्छे से। तो अब इस पे हम तेल लगा लेते हैं। और हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी होता है कि अगर पराठे पे चित्तियाँ नहीं आती हैं, पहले ही तेल लगा दो उस पे, तो वो पराठा फिर अच्छे से सिक नहीं पाता है। तो इसलिए जब चित्तियाँ आ जाएँ तभी हमें तेल लगाना चाहिए, तो बहुत अच्छा सा पराठा सिक के तैयार होता है। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है और फूल भी गया है पराठा। तो इसको अच्छे से हम दबाते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे कुरकुरा होने तक। और ये देखिए बिल्कुल सिक के रेडी है। और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है पराठे पे, और ये बिल्कुल आलू से भरा हुआ है। दूसरा पराठा भी बढ़ाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा इसमें फिलिंग बाहर आ गई है, तो इसको मैं पलट कर रख रही हूँ। और अच्छे से दबाते हुए बढ़ा लेना है इसको भी। और बस अब इसको भी सेक लेना है। सेम प्रोसेस में इसको भी सेक लेते हैं। और इस पराठे को मैं थोड़ा ज़्यादा ब्राउन सेकूंगी, तो तेल लगा देते हैं इस पे भी। देखिए ये भी पराठा हमारा फूल गया अच्छे से। और ये तो काफ़ी कुरकुरा बना है, उस वाले से भी अच्छा बना है। और पराठे खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस सर्दियों के मौसम में आप पराठा एंजॉय करिए आलू से भरा हुआ। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में मेरे और वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।